हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू वात्सल्य डिजिटल क्लासेस ऑफ क्लास 9th. टुडे वी आर स्टार्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम. ओके, चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है? नंबर सिस्टम. ओके, तो अभी तक हमने क्लास 8th में भी मैथ्स पढ़ा हुआ था. क्लास 8th का जो मैथ्स था उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था? अपना रैशनल नंबर. क्या पढ़ा हुआ था? रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में पढ़ा था अपन ने? पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये पढ़े थे ना? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो इनके साथ हमने इंटीजर्स भी पढ़े थे. तो थोड़ा सा फर्स्टली अपन आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपन नंबर्स से फेमिलियर हो जा रहे हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ देखिए, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी? रियल नंबर. रियल मतलब समझते हैं? रियल मतलब क्या होता है? कोई चीज सच में हो, है ना? तो जितने भी नंबर्स जो वास्तव में रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में, उन नंबर को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर, है ना. रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं भैया? अभी तक हमने जो नंबर्स लिखे हैं या तो वो इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं या फिर कैसे होते हैं? पॉइंट्स में होते हैं. होते कि नहीं होते? तो अपन सबसे पहले एक काम कर रहे हैं, इनको क्लासिफाई कर रहे हैं. सबसे पहले विथ डेसिमल, विथ डेसिमल नंबर, और एक किस टाइप में पढ़ते हैं हम? विदाउट डेसिमल. ओके, विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल. विथ डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहां पे लिखा हुआ है 3.5. ये क्या है? क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है ना, इंटीजर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये किसमें है? पॉइंट्स में, डेसिमल में. तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग. भाई इसमें एक बात बताइए, टर्मिनेटिंग इसलिए बोल रहे हैं इसको, डेसिमल को, क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू कहां पे आके खत्म हो गई? यहीं पे आके खत्म हो गई, है ना. या ये ऐसा होता 5.50, है ना, 3.50, है ना, या 3.53, कहीं ना कहीं आके ये टर्मिनेट हो जाता, खत्म हो जाता, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन क्या? टर्मिनेटिंग. फिर सेकेंड है अपना विदाउट डेसिमल में. फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड कौन सा है? सेकेंड है आपका वन पॉइंट वन टू वन टू वन टू वन. ये क्या है? ये जो नंबर है ये क्या है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है? रिपीटिंग. कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. तो ये नंबर कैसा है भाई? कई बार ऐसा नंबर होता है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान के चलिए आप 100 को डिवाइड करिए किससे? 3 से, ठीक है ना. तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 3 3 जा 9, ठीक है ना. कितना आया यहाँ पे? 1. अब क्या करेंगे आप? 0 लेंगे. 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा फिर 9. अब क्या होगा आपका? फिर 1 रिमाइंडर आएगा. अब क्या लगाएंगे आप? पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट लगाएंगे तो फिर क्या जाएगा? 0 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा. फिर नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर 0, तो 3 3 जा 9. मतलब ये जो आपका 3 है ये बार बार क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा. होता रहेगा ना. तो इसलिए इस टाइप के नंबर्स भी होते हैं हमारे पास कि जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, बट क्या होते हैं?
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म भी नहीं हो रहा है ना, और रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट, या रिकरिंग भी बोल सकते हैं इनको, है ना। ओके, अब थर्ड नंबर के कौन से होते हैं डेसिमल में? देखिए, जो विद डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो थर्ड वाले कौन से होते हैं? उन नंबर्स को बोलते हैं अपन क्या, जैसे कि 1.343297 4, है ना, ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, है ना। अब ये नंबर आ रहा है, ये नंबर क्या है, और ये आता ही जा रहा है ना, पूरे टाइम कहीं पे भी कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा मतलब ये आगे आगे भी और इसकी आते ही जा रहा है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, भाई खत्म ही नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, भाई रिपीट भी नहीं हो रहा, नंबर कैसा आ रहा है, अलग 3 आया फिर 4 आया फिर 3 आया 2 आया 9 आया 8 आया 7 आया, ऐसा तो नहीं इनके जैसे 1 2 1 2 1 2 या उसके जैसे 3 3 3 3 बार बार आ रहा हो, नहीं आ रहा ना। इसलिए इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, विद डेसिमल नंबर में कितने टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं बिट डेसिमल की, तो विदाउट डेसिमल में नंबर्स कौन से होते हैं, ऑल द इंटीजर्स। इंटीजर्स पता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -, मतलब एंड सो ऑन आगे तक, है ना भाई, नंबर्स तो कभी खत्म होते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ये सब क्या है, इनको सबको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स। ये वाले इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या हो गया आपका, जीरो इंटीजर, ठीक है। और ये वाले कौन से हो जाएंगे आपके, ये वाले हैं आपके नेगेटिव इंटीजर, ओके। ये पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो और ये नेगेटिव इंटीजर, है ना। यहां पे अपने को देखना है कि अब और भी नंबर्स पढ़े हमने, है ना। तो सबसे पहले तो क्या देखा हमने, इंटीजर्स को देखा, इंटीजर्स मतलब ऑल टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सबको इंक्लूड कर लिया, किसको छोड़ के, है ना। अब यहां पर अपने को देखना यह है कि ये जो नंबर है कौन से वाले, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, है ना, 5 6 एंड सो ऑन। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अपने, उनको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, इन्हीं को क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, ओके। तो नेचुरल नंबर भी अपने को पता है। फिर हमने एक नंबर और पढ़े जिनको बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है, होल मतलब नंबर पूरा हो जाए नंबर, है ना। तो होल मतलब अगर हम इन 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारे नंबर्स कितने हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। होल हो जाएंगे मतलब पहले जीरो की कमी थी, अब जीरो और आ गया तो वो संख्या क्या हो गई, वो नंबर क्या हो गया, पूरा हो गया। इसलिए बोलते हैं उसको होल नंबर, पूर्ण संख्या, है ना। तो होल नंबर हो गया ये होल नंबर हो गया। तो होल नंबर कहां से हो जाते हैं, जीरो से लेके, है ना, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू डेड जितने भी पॉजिटिव है ना, होल नंबर, ओके। अच्छा, इंटीजर्स आपको पता ही है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं अपने जो कि माइनस वाले और जीरो और प्लस वाले जो हैं आपके नंबर्स, उनको सबको क्या कहेंगे हम, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स। तो जो हमने रैशनल नंबर पढ़ा है उस रैशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल
नंबर, रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, पी अपॉन क्यू, है ना। शर्त क्या होती है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, ये कोई भी, ये जो है पॉजिटिव इंटीजर तो हो सकता है, कौन क्यू, या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टर्म क्या हो जाता है, नॉन डिफाइन हो जाता है, मतलब इसका कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो p अपॉन q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, व्हाई, बिकॉज अगर हम इन सबके अपॉन में क्या ले लें, जैसे इंटीजर है माइनस थ्री, अपॉन में क्या कर लूं, वन, किस फॉर्म में आ गया, p अपॉन q, फॉलो भी कर रहा है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, टू अपॉन वन, जीरो अपॉन वन, फाइव अपॉन वन, फोर अपॉन वन, थ्री अपॉन वन, टू अपॉन वन, वन अपॉन वन, भाई जितने पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जीरो भी है, तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। एक लास्ट आगे चल के एक अपने को क्वेश्चन मिलेगा, उसमें वो पूछेंगे ट्रू फॉल्स, तो हम उसमें उसका आंसर अपन इसी तरीके से देंगे। फिर बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर्स की, है ना। इरेशनल नंबर्स देखो, यहां पे अपन ने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग विद डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग है अपने पॉइंट्स वाले हैं, ये जो पॉइंट्स के नंबर हैं इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो आप, जैसे ये 3.5 था, 3.5 का मतलब क्या होता है, 7 अपॉन 2, यही होता ना भाई, 3.5 का मतलब क्या होता है, 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 किस फॉर्म में आ रहा है, पी अपॉन क्यू, तो ये क्या है मेरे साथ, एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, इसकी, है ना। तो जैसे मान के चलिए, एक मिनट जरा स्पेस बना लो, इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गए। अब ये जो नंबर है जो कि कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी क्या हो सकता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हो सकता है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसको अपन लिख सकते हैं एग्जाम्पल, आप यही ले लो, कितने वाला, 10 अपॉन 3, ओके 10 अपॉन 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, या 4 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 बन जा 3, कितना आया, पॉइंट लगा दिया, कितना आया, 1 आया, 3 3 जा 9, फिर कितना बचा, 1, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में है कि नहीं है, है ना, ठीक है। अब रही बात किसकी, इसकी, ये जो दो नंबर हैं कौन कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इन दोनों को अपन क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है ना। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इरेशनल, इरेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है हमारा ये जो वैल्यू है वो कैसी होती है, रिपीट होते हुए आती रहती है, तो इसको हम, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। एक मिनट, तो ये जो नंबर्स हैं अपने इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडर रूट
टू, अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, है ना, और आगे तक भी आती है, ठीक है ना, तीन डिजिट तक बता रहे हैं आपको। फिर अंडर रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ये भी क्या बन रहा है, इरेशनल नंबर। फिर अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर की वैल्यू क्या हो जाती है 2, तो होल इसका होता है स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है 2, इसलिए ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, एक इंटीजर बन गया, इसलिए ये क्या रहेगा आपका, इसको अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। अंडर रूट फाइव, है ना, तो ये सब जो नंबर्स हैं इनको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स क्या होता है आपका भाई, जो हमने बोला अभी कि रैशनल नंबर हैं जो इंटीजर्स जितने भी हैं वो सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स, है ना, प्लस इंटीजर्स, मतलब एक ही बात हो गई, है ना, प्लस इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स, इन सबको इंक्लूड करके ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स जो रहते हैं वो तो रैशनल नंबर्स के अंदर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अपन वो अपॉन में अपन ले लेते हैं, तो वो क्या क्या किस फॉर्म में जाएंगे, रैशनल नंबर के फॉर्म में ही जाएंगे, है ना। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। इनके अलावा और नंबर भी होते हैं, जैसे कि इसको इरेज कर दूं, सो अभी कुछ नंबर्स और रह गए हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि वन से और खुद के, वन से और खुद से अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। जैसे ये है, ये टू है, टू को मैं वन से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, टू ही आएगा, तो वन से डिवाइड करोगे तो वही का वही नंबर आ जाता है ना। अब टू फिर किससे डिवाइड होगा, तो टू पूरे पूरे टाइम किससे डिवाइड होगा, सिर्फ टू से ही होगा, और किसी नंबर से तो नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे ही थ्री, थ्री भी क्या होगा, या तो वन से डिवाइड होगा, वन से डिवाइड करना मतलब एक कहने की बात है, वन से डिवाइड करोगे तो वही का वही आ जाता है ना, वन से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो टू थ्री फाइव सेवन एलेवन फिर थर्टीन फिफ्टीन है सेवनटीन, है ना, फिर उसके बाद नाइनटीन भी है, नाइनटीन के अलावा फिर क्या है, ट्वेंटी थ्री है, फिर 25, 27 भी है, 29, ठीक है ना, और 31, ऐसे कई नंबर्स हैं जो कि किस में आते हैं, प्राइम नंबर्स में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स जो खुद से तो डिवाइड हो ही जाते हैं, खुद के साथ साथ किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि आपका 4, 6, 6 किस से डिवाइड है भाई, 6, 6 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। 8, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 10, है ना, 5 से भी होगा, 2 से भी होगा और कुछ 10 से भी हो जाएगा, तो इस टाइप के जो नंबर हैं इनको क्या बोलेंगे अपन, कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो ये कुछ नंबर्स थे, और अपने को क्या करना है कि अब नंबर सिस्टम को समझना है, तो एक्सरसाइज 1.1 नंबर लाइन पे अपने को कुछ नंबर्स को समझना है। अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक में, अभी दिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज जीरो
अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? देखो वो कह रहा है कि जीरो हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि क्या जीरो जो है क्या वो रैशनल नंबर है? तो आप बताइए क्या है जीरो, अभी बताया था मैंने, जीरो रैशनल नंबर है, क्यों देखिए, यस बिकॉज जीरो इज रिटर्न एज फॉर्म, किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई? जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, है ना? वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, भाई जीरो को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जीरो अपॉन वन क्या आएगा, क्या आएगा? जीरो ही आएगा. 0.2 जीरो आएगा, 0.3 जीरो आएगा, 0.4 जीरो आएगा, 0.5 जीरो ही आएगा. तो क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ऐसा लिख सकते हैं हम अपना आंसर, है ना? यस, बिकॉज अ रैशनल नंबर रिटर्न एज कैसा होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, है ना? बिकॉज जीरो इज रिटर्न एज फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज 0.1, 2, 3 और 0.4, 0.5 और पी और क्यू क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स हैं, लेकिन क्यू क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात ध्यान में रखना है ना, नहीं तो वो अपना कंडीशन फेल हो जाएगा. ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. भाई ये अपन नेट क्लास में बहुत करें क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा, करें कि नहीं करें? कितने नंबर्स निकालने हैं? 6 नंबर्स, किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में, है ना? तो यहां पर देखिएगा आप, टू गेट द रैशनल नंबर, किस किस के बीच में निकालना है? 3 एंड 4 के बीच में, है ना? 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है. ओके, कंटिन्यू. टू गेट द रैशनल नंबर्स 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में अपने को कितने निकालने हैं? रैशनल नंबर्स. कितने रैशनल नंबर्स? 6 रैशनल नंबर्स, है ना? तो 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए, टू गेट द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, है ना? तो 3 एंड 4 के बीच में अपने को 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो यहां पे देखिएगा आप कि पहले तो ये देखना है अपने को कि नंबर्स कितने निकालने हैं, 6. इसके एक मेथड है, या तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं भाई, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना? कितना जाएगा? 7/2, है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा. फिर इसमें फिर से कोई एक नंबर जोड़ दो आप, 4 ही जोड़ दो, है ना? तो डिवाइड फिर 2 कर दो, जैसे कि अपन एट्थ क्लास में किया करते थे. तो ऐसे भी करके अपने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक दूसरा काम कर रहे हैं, एक दूसरी मेथड है. यदि हमारे पास क्या है, अपने पास 6 रैशनल नंबर्स हैं, तो इसका अपन जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, 7 बनाएंगे. कितना बनाएंगे? 7. जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम, 6 + 1. एक मेथड दी हुई है आपको एग्जांपल नंबर
टू में, बुक में देखें सब लोग, तो डिनोमिनेटर मस्ट भी कितना हो जाएगा, मस्ट बी 6 + 1 = 7। हेयर अपने को किस किस के बीच में निकालने, अपने को निकालना है किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में अपन क्या करेंगे, 3 को कितना बनाना है, 7। तो डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 7 से और नीचे भी 7 से, कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 / 7। एंड 4 क्या है, 4 × 7 / 7 कितना हो जाएगा, 28 / 7। इज दैट क्लियर भाई, हमने क्या करा है, यहां पे हमारे पास 6 नंबर्स निकालने थे, तो हमने 1 प्लस करके कितना कर दिया, 7 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया है ना, डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में भी कर दिया है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड, तो ये कितना हो गया, 6 + 1 = 7। अब नंबर्स क्या क्या आ गया मेरे पास, एक नंबर ये आ गया 21/7 और एक नंबर आ गया मेरे पास 28/7। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, देखो ये तो दो नंबर आ ही गए, 3 और 3 का ये बन गया, 4 का वो बन गया, इनके बीच के नंबर लिखने मेरे को कितने हो जाएंगे, नंबर्स क्या हो जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7, कितने नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो अपने को यहां पर इन दो नंबर्स, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, नंबर्स आपको निकालना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, यहां पर देखिएगा वी हैव फाइंड रैशनल नंबर, ऐसा लिखना है इसको, वी हैव टू फाइंड हियर है ना, वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपने को न्यूमिनेटर दिया गया है, कितना दिया गया है 5 और यहाँ पर भी 5, निकालने नंबर कितने अपने को, 5 रैशनल नंबर्स निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालना है, तो अपने पास न्यूमिनेटर क्या करना पड़ेगा अपने को, 5 + 1, भाई जो भी नंबर्स निकालने, जैसे वहाँ लास्ट में अपने को 6 निकालने थे, तो 6 निकालने थे अपन ने क्या करा था, 6 + 1, तो 6 + 1 से अपन ने डिवाइड करा था वहाँ पे न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपने को क्या है, जो न्यूमिनेटर है वो कितना दिया है, 3 दिया है और यहाँ पर 4 दिया है, तो इसको भी हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना है, सेम बनाना तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स क्या है अपने पास 3/5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से ही डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 18/5, 6 = 30, और ये कितना हो जाएगा, 24/30, ठीक है ना। अब इनके बीच में अपने को नंबर्स निकालने, तो नंबर्स क्या कह जाएंगे, ये दो तो हैं ही नंबर्स, इनके बीच के निकालने, तो एक आ जाएगा आपका 19/30, एक आ जाएगा आपका कितना 20/30, एक 21/30, एक आ जाएगा आपका 22/30, एक आ जाएगा आपका 23/30, 5 आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है, दीज आर द नंबर्स, ओके, तो ये करना आपको है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर ही है ना, ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला आपका बुक में, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव्स रीजन फॉर योर आंसर, है ना। तो यहां पर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बताओ सही है कि गलत। एवरी एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर होता है कि नहीं होता बताइए, फोर्थ का फर्स्ट ट्रू और फॉल्स में बताइए। अरे नेचुरल नंबर्स पता है कहाँ से होता है, वन से, और होल नंबर जीरो से। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर है कि नहीं है, अरे सीधी सी बात, ट्रू यस जो भी लिखना है आपको, है ना भाई। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, और होल नंबर जीरो से। तो जीरो वाले में है पूरे कि नहीं है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, है कि नहीं है। तो हर नेचुरल नंबर क्या होता है, अपने आप में होल नंबर होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हाँ। फिर नेक्स्ट है आपका एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बताओ भाई। इसमें अपने को रीजन भी देना है, यहां पे लिख लेना नेचुरल नंबर्स इज अ सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर का क्या होता है, एक सेट होता है पूरा, है ना। फिर सेकंड है आपका कि इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है कि नहीं होता, ऐसा लिखना है इसको, होल नंबर इज द सेट कलेक्शन ऑफ, इसका अपने को रीजन भी देना था ना, होल नंबर इज द सेट कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो, ठीक है ना। अब सेकंड है आपका, सेकंड क्या है आपका, सेकंड है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आएगा भाई, हर एक इंटीजर क्या होल नंबर होता है बताओ। मैंने बताया था ये भी एक क्या है, इंटीजर है या नहीं है, वैल्यू क्या आएगी इसकी, 3.5। तो यहां पर किसमें आ गया ये, डेसिमल में, डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल में आया तो क्या ये इंटीजर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्या जो इंटीजर होगा वही तो क्या होगा, होल नंबर होगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, फॉल्स, है ना, या नो लिख देना, है ना। तो देयर इज एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव क्या होता है, होल होता है क्या भाई, पॉइंट वाले
होल नंबर, ठीक है भाई। पॉइंट वाला जो है वो भी क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा, है ना। और यहां पे इंटीजर की बात चल रही है और होल नंबर की बात चल रही है ना। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं होता, ठीक है। होल नंबर कहां से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। फिर थर्ड वाला है आपका एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, होता है कि नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता, रैशनल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो मैंने बताया सेकंड में आपको, वो थर्ड में भी इंक्लूड है ना, कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। राइटिंग समझ आ रही, ठीक। क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि अभी जैसे मैंने अभी बात आपको बताया था, 3/2 वैल्यू क्या आएगी, 1.5 आएगी कि नहीं आएगी। अब ये जो 1.5 है, क्या ये क्या आप बताइए मुझे कि क्या ये होल नंबर है, नहीं है ना। लेकिन ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये रैशनल नंबर है। इसलिए क्या होगा, अपन लिखेंगे एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। आप लिख सकते हैं ना, ये कुछ और भी जैसे सपोज कर लीजिए 5/2 भी लिख रहे हैं, ये भी क्या है, ये रैशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं आएगा। ये 7/2 है ना, 3/5 आ जाएगा। तो ये इसका कारण क्या रहेगा, नो लिख देना बस, है ना। ये जो कुछ नंबर्स बता देना कि ये होल नंबर्स नहीं हो सकते, रैशनल नंबर जरूर है लेकिन होल नंबर्स नहीं हो सकते, ओके। तो आज आपका 1.1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत हद तक कुछ समझ आया होगा, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप आपका एक्सरसाइज 1.1 में असाइनमेंट और नोट कर लीजिए। असाइनमेंट है आपका फाइंड रैशनल नंबर्स, फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/4 एंड 6/4, ओके। यहाँ पे आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/4 एंड, अच्छे से लिख दे रहा हूँ एक बार और, फाइंड THREEE, ओके। थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/4 एंड, फिर सेकंड है आपका, आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर एंड, नेचुरल छोड़िए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर बताना है, लिख के बताना है कल। मैक्सिमम कितने बताना है, 20 प्राइम नंबर्स और 20 कंपोजिट नंबर्स लेके आना है ना। उनमें से सब प्राइम होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ओके। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।